आओ। पाल सिंह सर बताएं क्या इशू है, किस इशू को लेकर आज यहां आपने जो है वो धरना दिया? सर ये जो इशू है, हमने आज से 24 साल पहले प्लाट लिए थे चौधरी जम्मू में, जो कि डेरा निगाल साहब यहाँ ये प्रचार हुआ था कि प्लाट दे रहे हैं पुंछ के माइनॉरिटीज को, तो हमने प्लाट लिए थे। उनकी रजिस्ट्री है हमारे पास, ये हमारे पास 18/12/2001 की रजिस्ट्री है, फर्द भी कटा हुआ है। आज हम अगर रेवेन्यू डिपार्टमेंट के पास जा रहे हैं कि अपना प्लाट हमने सेल करना है या कोई काम करना है, वो कह रहे हैं डिस्प्यूटेड लैंड है, जो कि वो ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं उनके साथ मिलके ये हमें मिसगाइड किया जा रहा है और हमें हरास किया जा रहा है। उसके बाद अभी हम अगर फ़र्द कटवा रहे हैं, वो कह रहे हैं डिस्प्यूटेड लैंड है, ये फ़र्द नहीं कटेगा। अगर उस टाइम फ़र्द कट गया, हमारे नाम रजिस्ट्री हो गई, अभी फ़र्द कैसे नहीं कटेगा ये सोचने वाली बात है। सिर्फ ये लैंड ग्रैबर्स के साथ मिलके ये काम किया जा रहा है, क्योंकि वहाँ जो चौधरी वाली जगह है वो इस टाइम उसका काफ़ी रेट बढ़ गया हुआ है, जो कि उस टाइम कुछ हज़ारों के हिसाब से थी, आज वो लाखों के हिसाब से पहुंच गई हुई है, 15-20 लाख के बीच में वो रेट पहुंच गया हुआ है। उसकी वजह से ये जो लैंड ग्रैबर्स हैं ये चाहते हैं कि हम इनको वापस अपने अंडर करके तो ये बेचना चाहते हैं। इसी इश्यू से हमने बहुत बारी पहले भी ये कॉन्फ्रेंस की है, मीडिया के सामने आए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें यही कहा कि अभी रुक जाओ, अभी 24 साल हो गए हैं, कितना रुकना है। आपके सामने पहले भी आया हुआ है कि 2 दिन पहले वहाँ पे जो ग्रेटर कैलाश में इनोसेंट बंदे को उन्होंने मार दिया, जो न्यूजीलैंड का सिटीज़न था, इधर आया हुआ था और इसी लैंड के डिस्प्यूट में उसको मार दिया गया, और वो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन के सामने हुआ है। अभी हम भी वहाँ जाते हैं तो या तो वो कुछ ऐसे बदमाश लोगों को भेज देते हैं, या हमें पुलिस भी आके कई बार उन्होंने रुकवाया कि ये डिस्प्यूटेड लैंड है। अगर कल हम उधर जाएंगे, हम काम करेंगे, तो पुलिस ने साथ होकर जो वो इंसिडेंट हुआ है वैसे करवा देना है। इसका जिम्मेवार कौन होगा? ये एडमिनिस्ट्रेशन होगी और ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट होगा जो इस सब में इन्वॉल्व हैं, और जो लैंड ग्रैबर्स हैं वो तो है ही इन्वॉल्व। तो अगर आपकी मांगे अभी मानी नहीं जाती तो किस तरह से? सर अभी तो हमने ये डिसाइड किया कि विद इन डेज हम वहाँ पे जा रहे हैं, जिनके पास पोजीशन है हमने वहाँ पे काम करना है, जो हमें रोकने के लिए आएगा वो फिर वहाँ देखा जाएगा। मीडिया को हम साथ में रखेंगे कि हमें जो भी जहाँ तक भी जाना पड़ेगा हम जाएंगे जी। पर हमें कोई आज तक हाँ की कोई पॉलिसी नहीं मिली, हमने पैसे दिए हैं इसके, कोई फ्री नहीं लिए ये, लेकिन कुछ समझ नहीं आ रही इस गवर्नमेंट की, गवर्नमेंट सोच क्या रही है, कर क्या रही है, पैसे लेकर के कीमत लेकर के। आज हम लोगों को ये लड़ाना चाहते हैं आपस में, आज हमें यहाँ कोई गलत मीज बात करूँगा दूसरा करेगा, कई लोग दूसरे हैं सोचने वाले, वो सोचते हैं कि ये गलत बोल रहे हैं, लेकिन ये चीज़ है कि इंसाफ होना चाहिए, ये हमारी हुकूमत है, हमारा मुल्क है, तो हमने पैसे दे के लिए, और कोई इनको कोई शक का डाउट है तो ये रिकॉर्ड चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो इनको हमें लटकाना नहीं चाहिए ऐसे, और ये हमें नफरत की निगाह से नहीं देखना चाहिए, और हमें आपस में भी नफरत नहीं फैलानी चाहिए। हम सब एक हैं, हमने पैसे दिए हैं, आज से 21 साल पहले आज तक हमें 24 साल, तो आज तक हमें उसका कोई जवाब नहीं मिला, कोई कुछ नहीं, बेवकूफ़ बना के रखा है। तो मेहरबानी करो तो इसका कुछ ना कुछ फैसला करो, वरना ऐसा ना हो कि कोई और ही काम हो जाए, मेहरबानी करो। रात का शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं नरेंद्र सिंह पुंछ। तो जो ग्रेटर कैलाश में जो एक्सीडेंट हुआ है उसका हम कंडेम करते हैं, और टोनी साहब का हम शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने वो जम्मू में स्टैंड लिया और इसको एक्शन में आए लोग। तो हमारी भी ये एक रिक्वेस्ट है श्रीमान मान साहब जी को, हम बार बार रिक्वेस्ट कर रहे हैं, हमने पैसे दिए श्रीमान मान साहब जी को, तो हम गवर्नर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं कि गवर्नर साहब ने 2-3 बार टीमें भेजी, मगर जो पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन है और जो रेवेन्यू डिपार्टमेंट है वो हमारा आगे काम नहीं होने देते। तो गवर्नर साहब से हमारी ये अपील है, रिक्वेस्ट है, हम तकरीबन 10-15 बार गवर्नर साहब को रिक्वेस्ट कर चुके हैं, मिल चुके हैं। गवर्नर साहब, हम गरीब लोग हैं, रिफ्यूजी लोग हैं, पुंछ बॉर्डर पर रहने वाले लोग हैं, हमें ये जो माफिया है, ये जो लोग इन्वॉल्व हैं इस मर्डर केस में, और भी इन्वेस्टिगेशन की जाए, जो सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, जो माफिया है, लैंड माफिया है, इसको फौरी तौर पर ये सलाखों के पीछे होना चाहिए। हमारी ये रिक्वेस्ट है, हम एलजी साहब को ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे, हम गरीब लोग हैं, हमें पर मेहरबानी करो, इस रेवेन्यू डिपार्टमेंट को और इस पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन को, ये बड़े बड़े ऑफिसर जो हैं इसमें इन्वॉल्व हैं, कुछ रेवेन्यू के इन्वॉल्व हैं, कुछ हमारे कोई 8-10 प्लाट थे जो
ये बिके हुए हैं, वहाँ एक फारूक खान है क्रशर वाला, रीसेल हुए हैं। फारूक खान जो क्रशर वाला है उसने जगह ली है हमारे कोई 10 प्लाट। वो कहता है मैंने दलबीर सिंह को, हम जानते नहीं है दलबीर सिंह कौन है, पैसे तो श्रीमान मनसा जी ने लिए हैं। कल चवादी में कोई हंसा हो हमारे से भी, कोई किसी की जान चले जाए तो ये रिस्पांसिबिलिटी और एडमिनिस्ट्रेशन जम्मू रेवन्यू की होगी तो पुलिस की होगी। तो हम ये चाहते हैं कि हमारे साथ इंसाफ होना चाहिए। थैंक यू सर। देखिए मांग हमारी पिछले काफ़ी देर से यही है कि हमें जो पोजेशन है प्लाट्स का वो दिलवाया जाए। और हम सब जानते हैं कि पिछले दिनों एक जो वाक़या हुआ है ग्रेटर कैलाश के अंदर, एक जो जान गई है एक आम इंसान की, उसको हम कंडेम्ड करते हुए एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से यही मांग करते हैं कि जब भी हम चुवादी में जाते हैं तो वहाँ पे जो लैंड ग्रैबिंग है वो एक विशेष समुदाय की तरफ से हुई है, तो वो लोग वहाँ पे आके ना तो काम कर रहे दे रहे तो, और ना ही हमें जो पोजीशन है वो दिलवाया जा रहा है रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, क्योंकि ये मैटर जो है रेवेन्यू डिपार्टमेंट के सामने है, देव काम साहब के सामने है, और उनको चाहिए कि शायद एक कमेटी गठित की जाए जो विशेष करके इस पोजीशन ऑफ प्लॉट्स को लेके जल्दी से जल्दी उसके ऊपर काम करे। और ये सारे सिटीज़न सीनियर सिटीज़न हैं, पिछले काफ़ी देर से ये दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं कि हमें पोजीशन दिलवाया जाए लेकिन नहीं मिल रहा है पोजीशन। उसमें क्या कारण है, कहाँ कमी है, ये एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को इसको देखना चाहिए। ऐसा ना हो कि चुवादी के अंदर भी ग्रेटर कैलाश जैसा कोई वाकया हो जाए तो हम हाथ पे हाथ रख के बैठे रहें। मेरी यही मांग रहेगी एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि जल्दी से जल्दी एक हाई पावर्ड कमेटी गठित की जाए जो चुवादी प्लाट्स पोजीशन को लेके पिछले काफ़ी देर से हमारे सीनियर सिटीजन्स की मांग है उनको जल्दी से जल्दी। क्या आज तक वहां पर आपका जो है बिल्कुल भी आना जाना नहीं है या आपका कब्ज़ा आज तक नहीं हो पाया उस जमीन पर? देखिए कब्ज़ा दिलवाने की जिम्मेदारी थी जिन्होंने ये प्लाट्स दिए थे, ठीक है। तो रेवेन्यू तो एक अथॉरिटी है, वो आगे देख रहे कि अगर किसी के का डिस्प्यूट बन जाता है या कुछ होता है, डिस्प्यूट तो कुछ नहीं है, रेवेन्यू ने ऑलरेडी हमारे खसरा नंबर क्लियर कर दिए हैं कि जो खसरा नंबर वो इन्हीं के हैं, उसमें कोई स्टेट लैंड नहीं है या किसी दूसरे का वो नहीं है। लेकिन जब भी अगर काम करने के लिए कोई जाता है तो वहाँ पर कुछ प्लाट्स पर इनक्रोचमेंट हुई है वो रेवेन्यू जानता है, पिछले दिनों पूरी एक्सरसाइज हुई लेकिन फिर ये मामला जो है वो रोक दिया गया। किन कारणों से रोक दिया गया ये वहाँ के जो रेवेन्यू की ऑफिशियल्स हैं वो बता सकते हैं, लेकिन मांग यही है कि जल्द से जल्द एक कमेटी गठित करके उसके थ्रू हमें पोजीशन दिलवाया जाए ताकि और कोई ऐसी घटना ना घटे।